हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम आपको वीडियो नहीं भेज पाए थे, लेकिन आपको हम उस पॉइंट को दोहरा देते हैं। उसमें हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन था और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था। तो चलिए आज हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 2 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दिस सॉल्यूशन। देखिए, मास बाय मास का मतलब है कि सॉल्यूट भी मास में हो, मतलब कि उसका मास हो, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन दोनों का मास। तो फॉर्मूला जैसा था उसके अनुसार हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो 15 ग्राम और 200 ग्राम इसको प्लस कर देंगे, 215 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूट हुआ, जो डिजॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दोनों के मिक्सर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला जो है, कंसेंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज का, मास बाय सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इसमें से 15 और बाय 215 इसको कैंसिल करेंगे। इसको सॉल्व करने से 6.98% आएगा। ये हो गया मास बाय मास कंसेंट्रेशन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, 11 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अप ए वॉल्यूम ऑफ 55 ml। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम। यहाँ मास बाय वॉल्यूम निकालना है, यानी सॉल्यूट आपको जो है मास में है और सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट आपको मिली लीटर में है। तो इसके लिए आप देखिए, मास ऑफ शुगर हो गया 11 ग्राम और मास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, देखिए शुगर सॉल्यूशन इसमें क्या है कि शुगर सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, दोनों को मिला देने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, जिसमें ये जो 55 ml है इसमें ये सॉल्यूट भी मिला हुआ है। ये आपको मिलीलीटर में है और ये ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो इसमें से हम आप लोग रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम आपको आज 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ शुगर टू प्रिपेयर 15% ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ये दूसरा, यहाँ पे मास बाय मास में ही आप फाइंड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट डिजॉल्व 32 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इन वाटर टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास बाय वॉल्यूम। देखिए, सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम में दिया हुआ है, यानी कि मिलीलीटर में दिया है ये। तो इसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं, लिख लेंगे, उससे बना लेंगे। 5 ml ऑफ एसीटोन इज मिक्स विथ वाटर टू मेक ए वॉल्यूम ऑफ 50 ml। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटोन इन सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मास बाय मास है तो सॉल्यूट को मास में लेना है, सॉल्यूशन को मास में लेना है। मास बाय वॉल्यूम है, सॉल्यूट को मास में लेना है, सॉल्यूशन को वॉल्यूम में लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। जैसे यहाँ पे मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर में है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा, यानी सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और मास का भी वॉल्यूम लेना है। ठीक है, देखिए मास बाय मास में दोनों का मास लेना है, मास बाय वॉल्यूम में मास और वॉल्यूम लेना है, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों का वॉल्यूम लेना है। ओके, इसमें से अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।